सब्सक्राइब कीजिए कूल टेक चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को रोजाना ऑनलाइन मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। गाइस, आज संडे है और आज से मैंने आप लोग के लिए इस चैनल पर कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोचा है। तो आज से मैं पुरानी वीडियोस के साथ साथ हर संडे को कुछ नई वीडियोस भी पोस्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ कूल अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोग को नहीं पता होंगे या फिर एक दो पता होंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है आज आप लोग के लिए खास इस कूल अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट्स में। एप्पल के बारे में तो सबको पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्पल आईफोन्स, आईपैड्स और आईपॉड्स। तो चलिए पहले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एप्पल के बारे में बता देता हूँ। तो क्या आपको पता है कि एप्पल का जो पहला लोगो था उसमें सर आइजक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक सेब गिर रहा था जो उनके सर से टकराने ही वाला था। इस पूरे होल डायग्राम को उन्होंने एक लोगो में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये एप्पल का पहला लोगो था। सेकंड फैक्ट ये है कि जब एप्पल के डेवलपर्स ने पहला आईपॉड बनाया तो जब स्टीव जॉब्स को उन्होंने इसको दिखाया और कहा कि हम इसको इतना ही स्लिम बना सकते हैं, तो वहां पे एक एक्वेरियम था। तो स्टीव जॉब्स ने उस आईपॉड का उस एक्वेरियम में फेंक दिया, उसके बाद कुछ बुलबुले उससे निकले। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि अभी इससे बुलबुले निकल रहे हैं, इट मीन कि इसके अंदर अभी भी स्पेस है और उस स्पेस को खत्म किया जा सकता है। तो तब तक उसको आप ज्यादा से ज्यादा स्लिम बनाइए जब तक इसमें हवा के लिए भी स्पेस ना बच जाए। गाइस, थर्ड फैक्ट ये है कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मैक होता है, ये सबको पता है, और उसका पूरा नाम मैकिंटोश होता है। बट क्या आपको पता है कि ये जो नाम है ये ओरिजिनल एप्पल के नाम पे पड़ा है, यानी कि खाने वाले सेब के नाम पे पड़ा है, बट दोनों की स्पेलिंग अलग है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एप्पल है उसकी स्पेलिंग होती है MACINTOSH, बट जो खाने वाले सेब का जो प्रजाति का नाम है वो उसकी स्पेलिंग अलग है, जिसकी स्पेलिंग है, मैं देख के बता देता हूँ, MCINTOSH, इवन आई डोंट नो व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ दैट मैकिंटोश। फोर्थ फैक्ट, गाइस, बिल गेट्स का नाम तो सब जानते हैं, वो विंडोज के जनक कहे जाते हैं। इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। बट क्या आपको पता है कि जब उनका घर डिजाइन किया गया था तो उसमें जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था वो विंडोज नहीं था, वो एप्पल का मैकिंटोश ही था। फिफ्थ फैक्ट, गाइस, एप्पल के सीरी फीचर के बारे में तो सबको पता होगा, ये पर्सनल असिस्टेंट है। बट क्या आपको पता है कि जब 2012 में सीरी लॉन्च हुआ था तो कई देशों में कई माताओं ने अपनी लड़कियों के नाम को सीरी रख दिया था। सिक्स्थ फैक्ट, गाइस, आपको क्या पता है 2012 में जब एप्पल लॉन्च हुआ था तो उसने पर डे 340,000 फोन वर्ल्ड वाइड बेचे थे। 340,000, आप खुद समझ सकते हैं ये कितनी ज्यादा बड़ी संख्या होती है। सातवां फैक्ट, गाइस, क्या आपको पता है हिमालय और साउथ वेस्ट चाइना में एक रेड पांडा पाया जाता है जिसका इंग्लिश नाम होता है फायरफॉक्स। इसी के ऊपर जो वेब ब्राउजर होता है उसने अपना लोगो डिजाइन किया है जिसका नाम रखा है फायरफॉक्स। बट कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो एक फॉक्स है जो उसके लोगो में दिखाई देती है, बट वो रियलिटी नहीं है, वो रेड पांडा है। गाइस, आपको पता ही होगा कि गूगल इंडिया आकर कई सारे आईआईटीएंस को बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे अपनी कंट्री ले जाती है और वहां जाकर उनसे वर्क कराती है। बट क्या आपको पता है कि गूगल आदमी को साथ साथ जानवरों को भी जॉब्स देता है? जी हाँ, गूगल हेडक्वार्टर में वो बकरियों को भी जॉब प्रोवाइड कराता है। उसके बाद उनका वर्क बस इतना होता है कि वो जो घास और एक्स्ट्रा पेड़ उग जाते हैं उनको खाने के लिए। तो इट्स मीन कि गूगल आदमियों के साथ साथ जानवरों को भी जॉब प्रोवाइड कराता है। नौवां फैक्ट, गाइस, आजकल आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा, बट यू नो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो उसका एक रिस्क ये भी होता है कि अगर आपने बिटकॉइन का कोई भी ट्रांजेक्शन कर दिया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ एक रिस्क इसमें ये भी है कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू बिटकॉइन खरीदा है तो आप अगर उसका आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसकी कंप्लेन भी कहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी वित्तीय संस्था का नियंत्रण इसके ऊपर नहीं होता है। दसवां फैक्ट, गाइस, 1 अप्रैल आते ही हम लोग एक दूसरे को अप्रैल फुल बनाने लग जाते हैं। बट क्या आप विश्वास करेंगे, 1 अप्रैल 2005 को नासा ने पूरी दुनिया को अप्रैल फुल बनाया था। जी हाँ, उन्होंने उस दिन एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि हमें मंगल ग्रह पर पानी मिल गया है। 11वां फैक्ट, गाइस, क्या आपको पता है कि जो पहले अलार्म क्लॉक बनी थी उसको आप मन मुताबिक टाइम पे सेट नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ 4 बजे ही बजती थी। आज तो हम लोग को 6 बजे उठना होता है तो 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और स्नूज कर करके जब तक 6 नहीं बज जाता है तब तक उठ सकते हैं। बट उस समय ऐसा नहीं था, अगर आपको उठना है तो 4 बजे का ही अलार्म आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज अलार्म क्लॉक को तो भूल ही जाइए। 12वां फैक्ट, गाइस, क्या आपको पता है 86% आदमी जब अपने यूएसबी केबल, इट्स मीन की पेन ड्राइव या मॉडेम को जब अपने लैपटॉप या किसी अदर डिवाइस में इंसर्ट करता है तो वो उसको अपसाइड डाउन, मीन्स की उल्टा इंसर्ट करता है। तेरवा फैक्ट, गाइस, आजकल तो हम लोग हर मिनट हर सेकंड सेल्फी लेते रहते हैं, बट क्या आपको पता है जो पहला कैमरा था उसमें आपको अगर फोटो क्लिक करनी है तो आपको 8 घंटे तक सेम पोजीशन पे बैठे रहना पड़ता था। 8 घंटे,
14वां फैक्ट, तो अब बात करते हैं वेब डोमेन की। तो आजकल तो हर तरह के वेब डोमेन लगभग बुक हो चुके हैं, बट क्या आपको पता है आप aaa.com, bbb.com इस तरह से आप zzz.com तक कोई भी डोमेन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं। 15वां और लास्ट फैक्ट, आपको पता है कि इतने सारे डोमेन होने के बाद भी सबसे पहला डोमेन किसने परचेज किया था और वो क्या था? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो था symbolics.com, जो 15 मार्च 1985 को एक सिम्बॉलिक्स कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने खरीदा था। गाइज ये थे 15 टेक अमेजिंग फैक्ट्स। तो आज मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसे मुझे आगे कैरी करना चाहिए या नहीं। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस के साथ ही अदर कई टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। इसके साथ ही हर संडे को मैं इस तरह के अमेजिंग टेक फैक्ट्स भी पोस्ट करता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।